नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, पूरे देश के लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, और इसके बारे में जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसकी जानकारी मैं फरवरी 2022 से दे रहा हूं, जिसके बाद पूरे देश के जमाकर्ताओं तक ये जानकारी जाती है। लोग पैसा जमा करना बंद कर देते हैं और अपने पैसे की मांग सहारा इंडिया के एजेंट के माध्यम से प्रबंधन से करने लगते हैं। और हमने बहुत सारी जानकारी इसके बारे में दी है, जिस तरह की आपका सवाल आता है। आज से दो दिन पहले ही आप में से ही एक साथी, हो सकता है वो जमा करता हो या फिर एजेंट हो, एक सवाल लिखा है, एक सवाल उठाया है, मेरे ऊपर भी सवाल उठाया है, और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। आखिर आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने लिखा क्या है। तो उन्होंने लिखा है, आप और भी बरगला रहे हैं, आप पूर्ण जानकारी सही से नहीं दे रहे हैं। अगर कंप्लेन की ही बात है तो इसका अखबार में खबर क्यों नहीं आ रहा है? और रहा बात केस का, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर हाई कोर्ट कुछ करेगा ही नहीं। ये किसने लिखा है? तो आनंद महाशेठ जी ने लिखा है, और ऐसा करके उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर चाहे मुझ पे किया हो या फिर सरकार पे किया हो। असल में आप सभी लोगों को बता दूं कि आपका गुस्सा जायज है, आपका पैसा फंसा हुआ है। मेरा ही अगर 1,000 रुपया कहीं फंसा होता है तो जब भी दिमाग में आता है तो गुस्सा आता है, तो आपका गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन जो आपने गुस्से में जो बात लिखा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में इसी तरह का सवाल होगा, तो आज मैं इसी सवाल का आपका जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिखा है कि आप बरगला रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि फरवरी 2022 का जाकर के हमारा वीडियो देखिए, तो सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि सहारा इंडिया आपके साथ धोखा कर रहा है। हमारे कुछ ग्रामीण दोस्तों के मदद से जानकारी मिली कि सहारा इंडिया का अभी भी पैसा लोग जमा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो पिटीशन है, यहां से कहानी शुरू होती है। तो ये हमने 21 फरवरी 2022 को दिया था, 12 जगहों पे भेजा था, एक से लेकर के 12 जगहों तक भेजा था। ये स्टाम्प भी आपको दिख रहा होगा, और ऐसे हमने डाक से भेजा है, और ये थाना का मुहर भी लगा हुआ है, शायद आपको दिखे ना दिखे, खैर मैंने पीछे वीडियो में दिखा रखा है। और सबसे पहले हमने 16 फरवरी को, आप देखिए ये डाक से भेजा हुआ है, इतना ये सारा लोगों ने, इतने सारे लोगों ने, जमाकर्ताओं ने साइन किया है। और साइन करने के बाद हमने इसके पहले ईमेल के द्वारा 16 फरवरी 2022 को मैंने इन्हीं 12 जगहों पे कंप्लेन भेजा था कि इस तरह से हो रहा है। इसके बाद न केवल फर्जीवाड़ा की जानकारी दी थी, बल्कि अगर आप पीछे से एक एक वीडियो जा करके देखिएगा तो हमने एक एक सही जानकारी दी है, और उसका प्रूफ भी दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। इसमें कोई भी बरगलाने की बात नहीं है। बरगलाने की बात होती तो मैं कहता सहारा इंडिया के अंदर पैसा जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा वापस मिलेगा, आज मिल रहा है कल मिल गया, जबकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जो हकीकत है वही बात बता रहा हूँ। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आनंद जी को भी यकीन हो। और यकीन आपको तभी होगा जो भी डॉक्यूमेंट मैं देता हूँ उसको पढ़ेंगे, बिना पढ़े हुए किसी को यकीन नहीं होगा। क्योंकि जब से हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है, उसके बाद हजारों यूट्यूब चैनल पर केवल सहारा सहारा दिन भर न्यूज़ आते रहता है, और कुछ सही जानकारी देते हैं और ज़्यादातर लोग गलत जानकारी देते हैं। अब आते हैं जो कमेंट्स में आपने दूसरी बात लिखी है कि मैं कंप्लेन यानी कि क्लेम की बात जो मैं कर रहा हूँ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से, तो अखबार में खबर क्यों नहीं है? अब ये बात मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि ये बात तो आपको सरकार से पूछना चाहिए या फिर अखबार वाले से पूछना चाहिए। अगर आप पीछे जा करके देखेंगे तो हमने प्रोटेस्ट किया था, अखबार में खबर नहीं आई थी, और खबर आई भी थी तो उसमें सहारा इंडिया का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो जितने भी अखबार वाले हैं या फिर न्यूज चैनल हैं, कहीं ना कहीं मालिक के हैं। अगर उसके बाद भी सरकार चाहती तो अखबार में छपवा सकती थी, लेकिन जैसे ही अखबार में सरकार छपवाएगी सारे लोग क्लेम करना शुरू कर देंगे, और क्लेम करना शुरू कर देंगे तो कल को सरकार के ऊपर दबाव पड़ जाएगा, पैसा देना पड़ जाएगा। इसीलिए कहीं भी खबर नहीं है, और ये जानकारी हमने आपको देनी शुरू की है। और तो और हमने पिटीशन भी बना करके आपको दिया, सबसे बड़ी बात है, उसके अंदर हाई कोर्ट का आदेश का नंबर भी लिखा हुआ है, जिसको कि आप कहीं से भी जाके चेक करवा सकते हैं, हाई कोर्ट के साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और सीधे जाकर के देख सकते हैं। जिस ऑर्डर में जाकर के आप खुद से चेक कर सकते हैं कि 22 मार्च और 23 मई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया है कि नहीं। ऐसे में चाहे तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो अखबार में इसको प्रकाशित करवा सकते हैं जनहित में, लेकिन इसके लिए अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के भी अभियान चला करके उनको चिट्ठी भेजें कि भाई आप इसको अखबार में छपवाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानें और इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, आप लोग अगर कमेंट्स करके बताएंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं लेटर के माध्यम से, अगर सभी लोग भेजेंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कहीं दबाव में आए तो जनहित में इस न्यूज़ को अखबार में प्रकाशित करवाएं। तो क्या इसके लिए चाहते हैं कि आप लोग एप्लीकेशन या फिर लेटर भेजना चाहते हैं? तो कमेंट्स करके उसके लिए भी बताइएगा। अब तीसरी बात, जैसा कि आनंद जी ने कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इसमें हाई कोर्ट क्या करेगा?
तो सबसे पहले आनंद जी, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा कि आपको ये पता करना चाहिए या फिर ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस चल रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है। अगर आपको याद होगा तो आपको फिर से बता दूं कि 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सहारा इंडिया को सभी निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए, जहाँ पर आपका रियल एस्टेट का और हाउसिंग का पैसा पेंडिंग था, यानी कि आपका पैसा जमा था। उस समय क्या था, सहारा इंडिया को सेवी के रिफंड खाते में 25,000 करोड़ जमा करना था। इन्होंने क्या किया, मात्र 15,000 ही करोड़ जमा किया और आप लोगों को सेवी के पास क्लेम करने नहीं दिया, आपने क्लेम नहीं किया। और उसी दौरान आपको एजेंट के माध्यम से हो या फिर जिस माध्यम से, आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया पहले क्यूसॉप में और फिर जा करके अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आप में से जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं कराया और सेवी के पास क्लेम किया, 2018 तक सेवी ने उनका पैसा रिफंड दिया है। ऐसे में आप में से जिन लोगों ने सेवी के पास क्लेम नहीं किया या फिर क्लेम किया और आपका फॉर्म कुछ डिटेल सही नहीं होने की वजह से आपको चिट्ठी भेजा गया था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, यानी कि सेवी वालों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से पेटीशन लगाया और वो पेटीशन अभी पेंडिंग था, जिसकी सुनवाई अभी हाल ही में शुरू हुई है। तो ये मामला अलग हो गया। अब इसके बाद दूसरी तरफ आएंगे तो वो लोग बचेंगे जिनका पैसा कन्वर्ट करके क्यूसॉप से सोसाइटी में कर दिया गया। अभी भी आपका क्यूसॉप का अगर पैसा बकाया है, पेपर है आपके पास क्यूसॉप का, तो इसके बारे में हाल ही में हमने जानकारी दी थी, उसके लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जिसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई के पास कंप्लेन करना है, जिसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जिनका पैसा सोसाइटी के अंदर आ गया हो, चाहे वो हमारा इंडिया हो या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सहारियन हो, इस तरह का पेपर हो, तो उसके लिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आप सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्लेम कर सकते हैं, जिसको पहले हम लोग कृषि भवन में क्लेम कर रहे थे, एड्रेस चेंज कर दिया। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने कर दिया, उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है वो क्या करेंगे, लोधी रोड वाले एड्रेस पे सेंड करेंगे, और हमने पीछे वीडियो में उसकी जानकारी दी है और पुराने लिंक पे ही नया एड्रेस वाला एप्लीकेशन अपलोड कर दिया है। केवल क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, लेकिन ध्यान रहे गूगल में आप लॉगिन रहेंगे, वो आपको दाहिने साइड में आपको दिखा देगा ऊपर में। उसके बाद क्या है, आपको केवल उसको भरना है, पीछे फोटोकॉपी लगाना है, जिसके बारे में उसी पेज पे एक हमारा यूट्यूब का वीडियो मिलेगा, जिसको क्लिक करके देखेंगे, सारी जानकारी हमने दे रखी है, तो उसके माध्यम से आप क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का अलग मामला है, ये वाला मामला अलग है। इससे तो स्पष्ट हो गया होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो अलग मामला है और ये मामला अलग मामला है। अब ये मामला जो है पूरे देश के जमाकर्ता जिनका पैसा सोसाइटी के अंदर फंसा हुआ है, सहारा ने कन्वर्ट कर दिया है, और ये बात हमने एप्लीकेशन में भी लिखा है, और इसीलिए लिखा है ताकि जो आपके साथ हुआ है वही चीज़ आप रिकॉर्ड में दें। ऐसे में पूरे देश के लोग जिनका पैसा सहारा ने सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, उनको सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य के हो सकता है बिहार के हों, बंगाल के हों, पंजाब के हों, जम्मू कश्मीर के हों, या फिर जिस स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं, सभी जगह से आप भेज सकते हैं। जितना जल्दी भेजिए, अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, कोर्ट की सुनवाई चल रही है, लेकिन ध्यान रहे आप 2 महीने के बाद मुझे कमेंट्स करके ये मत पूछिए कि हमें तो कोई जवाब नहीं दिया। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, कोर्ट का फाइनल आदेश का वेट कीजिए, अगर नहीं देता है तो कोर्ट कल को उसी के ऊपर आदेश देगा जो क्लेम पहले से कर रखा होगा, और ये ऑर्डर आपके लिए तब तक मान्य होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई दूसरा ऑर्डर ना आ जाए, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट ही अपना ऑर्डर कल को बदल ना दे, या फिर ये भी हो सकता है आपके राज्य में आपका हाई कोर्ट आपके लिए कुछ और कह दे, तो आपको वो भी करना होगा। तो पैसा आपका है, हो सकता है आपका 20,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, 70 लाख हो, 80 लाख हो, जब तक आप अपने घर में पेपर रखे हुए रहेंगे तो पेपर आपका कागज़ हो गया, चाहे वो बॉन्ड का हो, चाहे पासबुक का हो, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और जिसकी जानकारी पिछले फरवरी 2022 से दे रहा हूँ। जब तक आप कंप्लेन करके नहीं बताएंगे, जब तक चिट्ठी नहीं भेजेंगे, तब तक आपका जो पेपर है, याद होगा जब नोटबंदी हुआ था तो जो पैसा अभी निकलता हुआ किसी के घर से, वो वाला नोट, पुराना वाला 500 वाला, तो क्या हो गया, रद्दी हो गया, तो उसी तरह से आपका रद्दी हो जाएगा। आप आराम से बैठे रहिएगा और सरकार आपके लिए घर ला करके न तो पैसा देगी और न ही सहारा इंडिया वाले आपको घर ला करके पैसा देंगे, और जो एजेंट आपको कह रहा है कंप्लेन न करो, कहीं ना लिखो, वो कहीं ना कहीं आपको बरगला रहा है। अगर मुझे आपको बरगलाना होता या फिर गलत जानकारी देनी होती तो आपको एप्लीकेशन बना करके नहीं देता, जैसा
बताता कि न्यूज़ वाले नहीं बता रहे हैं तो मैं भी नहीं बताता, मुझे क्या ज़रूरत थी बताने की। खैर, अभी तक आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।